हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स का मैथ, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 9.1 रेखा, रेखाखंड एवं किरण। ये इसका पार्ट थर्ड है। इसके पहले भी दो पार्ट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्लास सिक्स वाले फोल्डर में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे दबाना नहीं भूलिएगा। अगर उसे आप नहीं दबाएंगे ना, तो होगा क्या कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियोस बनाएंगे ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कोई वीडियोज़ बना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और साथ ही साथ घंटी का एक बेल आइकन आएगा, उसे दबाएंगे। और जैसे आप उसे दबाएंगे तो ALL लिखा आएगा, तो आप उसे छू देंगे, ठीक है। इतना सा काम आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, यानी आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में देखिए हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। यानी सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाना है, बिल्कुल इजी है। लेकिन हम जो निशान लगाएंगे वो ऐसे नहीं फटाफट लगा देंगे जिस तरह से कोचिंगों में कराया जाता है, ए नंबर में सही करो, बी नंबर में सही करो, सी नंबर में गलत करो, डी नंबर में सही करो। इस तरह से हम इसे नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर हर लाइन को समझेंगे, वो सही क्यों हो रहा है, वो गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सही और गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है, इसे देखिए आप। कहा जा रहा है इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होता है, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु का मतलब होता है लास्ट, लास्ट का पॉइंट, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ से कोई लाइन खींचा और यहाँ जाके रुक गया, तो ये अंत बिंदु हुआ, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, रेखाखंड में, किरण में, रेखा में या नॉट, ठीक है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो। तो आप देखिए, रेखाखंड किसे कहते हैं पता है, रेखाखंड कहते हैं जब हम इसे टुकड़ों में बांट देते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो ये जो बी सी है ना, ये रेखाखंड है, ये ए बी जो है वो रेखाखंड है, ये सी डी जो है रेखाखंड है। देखिए इसका अंत है, ए से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, सी पे खत्म हुआ, सी पे स्टार्ट हुआ, डी पे खत्म, इसका तो अंत बिंदु है, इसलिए ये नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। किरण की बात करें, किरण किसको बोलते हैं, कोई भी किरण क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई भी लाइट मारना अभी चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, अंत तो होगा लेकिन कहाँ तक जाएगी कोई आता पता नहीं है, इसलिए किरण भी नहीं होगा। अब बात आती है रेखा की, तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा कहाँ तक गई है, मान लीजिए हम तो यहाँ पे बोर्ड पे ना यहाँ से यहाँ खींच दिए हैं, कोई बल देगा यहाँ से वहाँ तक, तो उसको कोई नाप नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए रेखा का जो है कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में हमसे कहा गया, दिए गए दो बिंदुओं में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक, दो, तीन या असंख्य। असंख्य का मतलब होता है बहुत सारा, यानी आपको दो पॉइंट दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दिए गए दो बिंदुओं में से कितनी रेखाएँ खींची जा सकती है, दिए गए दो बिंदु कितनी रेखा खींचते, तो केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। बताइए क्यों, क्योंकि देखिए ये मैंने पेन रखा एक बिंदु, ये मैंने पेन रखा दूसरा बिंदु, अब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच केवल एक ही रेखा खींच सकते, दूसरा रेखा खींचेंगे तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा ना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। अच्छा, तीसरा सवाल है हमारा कि किसी लंबाई, किसकी लंबाई निश्चित होती है, यानी कि उसका लंबाई फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो बताना है आपको किसकी लंबाई निश्चित होती है। ऑप्शन में है आपका रेखा, रेखाखंड, किरण या फिर बिंदु। देखिए रेखा का भी हमने बताया कि रेखा खींच देने से बहुत काफ़ी लंबा चला जाता है, उसका कोई निश्चित नहीं होगा। किरण क्या होता है, किरण भी वही चीज़ है, ये भी लंबी जाती है। अब बिंदु, बिंदु का कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, तो इसका तो बात ही मत कीजिए, ठीक है। बात आ गई अब रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। अगर रेखाखंड, खंड मतलब ये होता है टुकड़ा, ये टुकड़ों में बटा हुआ रहता है, इसलिए इसकी लंबाई क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि किसमें एक प्रारंभ बिंदु होता है, किसमें एक प्रारंभ बिंदु होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपको बताना है, रेखा में, रेखाखंड में या फिर किरण में, बताइए। अब कहिएगा सर रेखा में, तो रेखा में कैसे होगा, रेखा अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दो पॉइंट हो गया। किरण की अगर रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड में भी दो पॉइंट होता है, यहाँ भी यहाँ भी। तो किरण, किरण एक ऐसा चीज़ है यहाँ से स्टार्ट होता है, एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट होता है, एक ही पॉइंट से ये लाइटिंग मारता है, ठीक है। किरण, किरण में क्या होता है, केवल और केवल एक प्रारंभ बिंदु होता है, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर में हम समझते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन
गलत है आपको बताना है। इसमें से आपको दो तीन कथन दिया गया है। रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है, देखिए कोई रेखा है और इस तरह से एंगल बना दिया है, ठीक है, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है बी ए। देखिए ये ए बी है, ये बी ए है, अगर हम इसको यहाँ पे रख दें, इसको यहाँ पे रख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है तो ये सही है, ये गलत नहीं हो सकता है। कौन सा कथन गलत है आपको गलत को पहचानना है, ठीक है। चलिए बी नंबर देखते हैं, किरण ए बी और किरण बी ए, अब क्या कर दिया है, किरण ए बी इधर से ये वाला तीर हटा दिया है और इधर से ऐसे कर दिया है, ठीक है। देखिए किरण ए बी और किरण बी ए समान है, अच्छा आप बताइए ये ए से स्टार्ट हुआ बी की तरफ जा रहा है तो ये बी, ठीक है ना, क्या दिया है, हाँ ए से बी और ए से फिर इधर से, हाँ ठीक है। तो अब बताइए ये तो इस तरफ जा रहा है ना और ये इधर उल्टा आ रहा है तो ये कभी सही होगा, तो ये सही नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब आते हैं सी पे, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए समान है, अच्छा ठीक है, यहाँ से ये भी तीर मिटा दीजिए, ये भी तीर मिटा दीजिए। अब बताइए अब इसको हम इस पर रख सकते हैं, इसको इस पर रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये वाला हमारा सही है और नोट से तो कोई मतलब ही नहीं है, नोट का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, इसमें सिर्फ एक गलत हुआ है ये वाला, ठीक है। तो क्लास आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।